तो हेलो दोस्तों, आपका सानू के ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का इस ब्लॉग में हम लोग बाबा राम रेखा धाम आ गए हैं, जहां दोस्तों जहां पर कि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण और सीता माता यहां पर 14 साल के लिए वनवास काटने के लिए आए हुए थे। और यह मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला का आयोजन किया जाता है गाइस। यह स्थान है सिमडेगा जिला के रामरेखा धाम। तो चलिए गाइस, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं गाइस कितना काफ़ी मतलब भीड़ है, जमा हुआ है। हम सुबह का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं इधर किस प्रकार से भीड़ है। और ये आप लोग इधर का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, काफ़ी दूर दूर तक केवल पहाड़ और चट्टानें केवल भरे पड़े हैं। और इधर नीचे भी रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं इधर से भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं गाइस। और चारों ओर देख सकते हैं इधर धुंध के वजह से उतना खास नहीं दिख रहा है गाइस, हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है। दूर दूर तक काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ है गाइस, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। अभी तो धुंध कोहरा के वजह से नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी विशाल मेला लगा हुआ है गाइस। आप लोग कभी आइए सिमडेगा जिला के रामरेखा धाम और यहाँ का आनंद आप लोग उठाइए एक आध बार। बहुत ही ज़बरदस्त मेला भीड़ होता है गाइस। और दुखी के साथ कहना पड़ रहा है गाइस कि हम लोगों को मोबाइल लेके अंदर नहीं जाने दिया गया, मना कर दिया गया गाइस, जिसकी वजह से हम अभी चट्टान के ऊपर चढ़ के वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अंदर मोबाइल लेना मना है गाइस, नहीं तो आप लोगों को दिखा देते हैं। कभी आप लोग आइए और देखिए, बाबा रामरेखा धाम का चिन्ह है और मंदिर है गुफा के अंदर। हम लोग दर्शन कर लिए हैं गाइस। और अभी मेला तो 3-4 दिन या तो एक सप्ताह कहिए गाइस, एक सप्ताह तक मेला का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इधर ऊपर उस साइड ऊपर में काफ़ी जगह पे मेला लगा हुआ है गाइस, पूरा भीड़ भड़ाका है। और इधर सोलर पानी सिस्टम लगाया गया है, सोलर प्लेट हम भी क्या क्या बोले जा रहे हैं। और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग था बाबा राम रेखा धाम, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट में बताइए। और मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में, तब तक जय हिंद गाइस, बाय बाय।